इंदौर में गुंडों और माफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों के खिलाफ शनिवार को भी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नगर निगम ने विजयनगर थाना क्षेत्र में शेख मुख्तियार द्वारा किए गए अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया गया। राधिका कुंज में नगर निगम ने शेख मुख्तियार के कब्जे से 1 एकड़ जमीन मुक्त कराई, जिस पर उसने 1 मकान और 15 गोदाम बना रखे थे। नगर निगम ने अतिक्रमणकर्ताओं के लोहे के शेड, एंगल सहित करीब 5 ट्रक सामान भी जब्त करके ट्रेचिंग ग्राउंड भिजवा दिया है। पहले भी निगम मुख्तियार के अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर चुका है, लेकिन उसने वहां दोबारा कब्जा कर लिया था। कार्रवाई के दौरान निगम के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह, उपायुक्त लता अग्रवाल और सहायक रिमूवल अधिकारी बबलू कल्याणे भी पुलिस बल और निगम कर्मियों के साथ मौजूद थे। पुलिस और नगर निगम ने पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के साथ साथ ऐसे गुंडे चिन्हित किए हैं जिन पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। इससे पहले साजिद चंदनवाला, जितेंद्र उर्फ नानू ताइड़े, अरुण वर्मा, लकी वर्मा, प्यारे मियां और अश्विन सिरोलिया के अवैध निर्माण व अतिक्रमण तोड़े जा चुके हैं। पहले भी ये शेख मुख्तियार नाम का बंदा है जो कई आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज हैं और जो फिलहाल शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जेल में है, तो उसके 15 अवैध निर्माण और अवैध कब्जे इस इलाके में चिन्हित हुए हैं जिनको तोड़ने की कार्रवाई सुबह 8 बजे से की जा रही है। अभी कितने तोड़े हैं सर? अभी तक करीब 5 या 6 रिमूवल हो चुका है और करीब 7-8 हो रहे हैं, जो मुझे लगता है कि अगले 2 घंटे में निपट जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।